कैसे हैं आप? आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको गाइस प्लीज बने रहिए, आप हर एक वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पूरी शेयर मार्केट आज आपको यहाँ खोल के रखने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको लेके आऊंगा। इन शेयर मार्केट को जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा जो हम सुनते आए हैं अपने लाइफ में कि तो हमारे को क्लियर नहीं होता था ये होता क्या है। जैसे हम लोग अपनी मार्केट में सुनते रहते हैं कि इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, गाइस ये टर्म्स तो सुनी ही होंगी आपने। तो ये इंडेक्स है क्या? जैसे नॉर्मल आजकल आप कोरोना देखते हैं, कोरोना बहुत फैला हुआ है और हम लोग अपने घर में थर्मामीटर्स, कुछ ऑक्सीमीटर्स रखते हैं टू चेक अपनी हेल्थ को चेक करने के लिए। किसी ने नर्व्स चेक करता है, थर्मामीटर से चेक करता है। तो गाइस अगर मुझे किसी कंट्री की हेल्थ को चेक करना हो तो मेरे पास कौन सा थर्मामीटर है? तो वो थर्मामीटर है हमारा इंडेक्स का, शेयर मार्केट का। यस, ये शेयर मार्केट के अंदर अगर हम सिर्फ एक इंडेक्स को पढ़ लें तो मैं बहुत सारे सेक्टर्स की मैं आपको हेल्थ बता सकता हूँ कि इन सेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है। आप जान सकते हैं कि क्या वो कंपनीज प्रॉफिट में है या नहीं है। तो इसी तरह की चीजें हैं, जैसे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर मुझे उसका इंडेक्स देखना है तो उसका नाम है निफ्टी। ये एक पोर्टफोलियो है 50 शेयर का। अगर मैं सिंपल निफ्टी को देखता हूं तो मैं बता सकता हूं कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं पर्टिकुलर अगर मैं पूरे कंट्री की बात करना चाहूं तो मैं निफ्टी को देखता हूं। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर को देखना चाहूं मैं सेक्टर का भी इंडेक्स देख सकता हूं। जैसे अगर मुझे निफ्टी आईटी देखता हूं तो मैं आईटी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स और निफ्टी की फुल फॉर्म है निफ्टी 50। जो इंडेक्स है हमारा फॉर्म हुआ था 1996 में जिसकी बेस वैल्यू 1000 थी। आज इसकी जो बेस वैल्यू है वो बढ़कर 15,000 क्रॉस कर चुकी है। तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाला है निफ्टी ने, इंडेक्स ने 14% रिटर्न दिया है। अगर आपने मेरी म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि अगर आप इंडेक्स भी परचेज कर लेते हैं तो आप 40% तक का गेन ले सकते हैं। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है जो कि हमारी कंट्री और इकोनॉमी में चेंज हुए चीजों को के बारे में बताता है। थैंक यू। इस तरह की और चीजों को जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिएगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस तरह की और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए। थैंक यू।